बच्चों नाउ वी विल स्टडी अबाउट वेव्स ठीक है वेव इज अ टाइप ऑफ मोशन इन क्या होता है कि एनर्जी और मोमेंटम को जब एक जगह से दूसरी जगह हम भेजते हैं विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मास देन दैट टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दैट टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड अ वेव मतलब क्या हुआ एक डिस्टर्बेंस को जब एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं एंड द मीडियम पार्टिकल्स डू नॉट एक्चुअली मूव तब उस चीज को हम क्या बोलते हैं वेव आपने हर जगह वेव देखी है जैसे वेन वे यू गो नियर अ सी यू सी ओशन वेव्स है ना या फिर द मोबाइल विच इज इन योर हैंड्स इट वर्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेवस सही है अच्छा आपने कई बार ऐसा किया होगा कि एक रोप को जर्क देते हैं एंड देर इज सम मोशन इन इट ठीक है दैट डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर एंड दट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेव ठीक है तो वॉट इज अट एस अंडरस्टैंड क्या होता है देखो अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच प्रोपेट्स एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर विदउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर ठीक है इस बात को ध्यान में रखिए कि वेव क्या है डिस्टर्बेंस है जिसमें एक जगह से डिस्टर्बेंस दूसरी जगह पर जाता है विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर ठीक एग्जाम्पल देता हूं मैं सबसे पहले आपके मन में क्या आता होगा वेव का आपने ऐसा सीन जरूर देखा होगा सी के पास में दैट वहां पे जो वेव होती है वॉटर में एक डिस्टर्बेंस होता है जो थोड़ी देर के बाद क्या होता है अपने पास आता है पास आता है एंड ऑन ऑन कमिंग वेरी क्लोज टू द शोर इट गेट डिस्ट्रॉयड तो क्या होता है वो एनर्जी जो है वो जमीन से टकरा के विद द सर्फेस ऑफ अर्थ वेन इट कोलाइड्स तो वो खत्म हो जाती है एनर्जी ठीक है वैसे ही अगर मैंने बोला हमारे पास एक रोप होती है एक स्प्रिंग होती है और उसको एक जर्क दे दू मैं इधर से तो वो जर्क क्या होता है आगे ट्रांसपोर्ट होता रहता है देखो मैंने यहां पे क्या किया एक ऑसिलेटर यहां पे कनेक्ट कर दिया है बच्चे और ये ऑसिलेटर जैसे जैसे ऊपर और नीचे जाता है वॉट यू ऑब्सर्व द पार्टिकल ऑफ दिस रोप दे वाइब्रेट अप एंड डाउन बट दे डू नॉट मूव फॉरवर्ड सारे पार्टिकल्स को अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये कैसे जा रहे हैं ऊपर और नीचे जा रहे हैं ये सामने की ओर बिल्कुल भी नहीं जा रहे है. तो दिस टाइप ऑफ मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन प्लेस टू तो अनादर इज कॉल्ड अ वेव ठीक है तो वेव के बहुत सारे टाइप्स होते हैं लेकिन एक वेव को बनाने के लिए मटेरियल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए वो एक बार मैं दिखा देता हूं आपको तो देखो नेसेसरी प्रॉपर्टी वो होती है इलास्टिसिटी जैसे अगर एक रोप की जगह मैं गैसियस पार्टिकल्स ले लूं और उनको बोलूं कि इधर से जर्क देता हूं तो क्या वो गैसियस पार्टिकल्स ऊपर और नीचे वाइब्रेट करेंगे नहीं बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर उनके पास ऐसी इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है कि मोशन के बाद वो अपनी जगह पर वापस आ सके तो इसलिए इस तरह का मोशन वहां पे क्रिएट नहीं हो पाएगा वहां पे दूसरे तरीके की वेव होती है ऑब्वियसली ठीक है तो किसी भी वेव को क्रिएट करने के लिए मीडियम में जो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है उसे हम क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी ठीक है इलास्टिसिटी से क्या होता है आप जैसे ही कोई वाइब्रेशन उस मीडियम में प्रोवाइड करते हो द पार्टिकल्स स्टार्ट टू वाइब्रेट एंड ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ इलास्टिसिटी दे द पार्टिकल्स कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन तो ही वो वाइब्रेशन ऐसे ऐसे पॉसिबल है जैसे मैं इधर से इस रोप को ऊपर नीचे अगर वाइब्रेट कराता हूं तो इस एक सिंगल पार्टिकल का अगर मोशन देखोगे बेटा तो वो सिर्फ ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि ये दूसरे साइड के पार्टिकल से क्या है फोर्स के साथ कनेक्टेड है इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहे हैं इसके साइड वाले पार्टिकल्स जिसको हम क्या बोलते हैं इलास्टिक फोर्स या फिर रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग ठीक है तो दिस इज ड्यू टू इलास्टिसिटी ओनली तो इलास्टिसिटी होगी तभी वहां पे वेव क्रिएट हो पाएगी ठीक है तो अब हम आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन मतलब एक वेव मोशन के अंदर हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलते हैं वो भी एक बार दिखा देता हूं ठीक है ध्यान से देखो पहला क्या है इट इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्टरबेंस विद ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम ठीक है एक एग्जाम्पल देता हूं बेटा जैसे बिल्कुल ही हम ना सोचे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे लाइन से खड़े हैं एक ग्राउंड है एंड सम पीपल आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड ठीक है वन बाई वन यहां पर ऐसे लाइन बना के वो लोग खड़े हुए नाउ वट है पर्सन हियर अगर इसको मैं पुश कर देता हूं तो वो क्या होगा वो फॉल करेगा इसके फॉल होने की वजह से क्या होगा सेकेंड वाले पे वही फोर्स लग जाएगा वो फॉल होने के लिए क्या करेगा फॉल होता है तो वो दूसरे पे सपोर्ट लेता है और रुक जाता है तो जो वापस आ गए तो मतलब अपनी पोजिशन पे वापस आ गए बट सेकेंड वाले से सपोर्ट लेने की वजह से उस पर एक फोर्स लग गया फिर वो उस पर फोर्स लगा देता है धक्का खा के तो एक को धक्का दो वो इसको धक्का देता है वो इसको धक्का देता है वो इसको धक्का देता है तो वट वॉज दिस दिस वॉज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कह लो या मोमेंटम कह लो या फिर डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस इज ऑल्सो टर्म तो ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर इज कॉल्ड अ वेव लगातार देते रहते हैं तो उसको वेव ट्रेन बोल देते हैं और अगर एक सिंगल जर्क दिया है किसी मीडियम में तो उसको पल्स बोल देते हैं ठीक है तो देखो मटेरियल मीडियम इज एसेंशियल फॉर प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स वेव के हम टाइप्स देखेंगे तो अगर मैकेनिकल वेव्स हैं जिसमें एक्चुअली मीडियम पार्टिकल मीडियम जो है वो चाहिए होता है और वैसे एक नॉन वेव्स होती हैं हम देखेंगे जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती ठीक वेन मीडियम पार्टिकल ऑफ द मीडियम ओनली वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिकली अबाउट देयर मीन पोजिशन दे डू लीव देयर पोजिशन एंड मूव विद द डिस्टर्बेंस ठीक है एक बार क्या होता है ये ऐसे जर्क दिया आपने तो पार्टिकल उसके साथ एक बार ऑसिलेशन तो करेगा बट ऐसा नहीं होगा कि आगे चला जाए बस डिस्टर्बेंस आएगा तो ऊपर नीचे होंगे नहीं है है? तो अपनी जगह, ठीक है? जैसे हमने देखा था, देखो, एक सेकेंड ये वाला डायग्राम हमने देखा देखो इस पार्टिकल को देखो ये आगे वेव के साथ नहीं जा रहा अपनी जगह पर ही ऑसिलेट कर रहा है बच्चे तो इस तरह के मोशन को ऑब्जर्व कर लीजिए ये वेव मोशन में इनवॉल्व पार्टिकल्स का मोशन होता है दे दे ओनली वाइब्रेट एट डू नॉट मूव विथ द वेव ठीक है तो जैसे आपने सी में वेव देखी होगी तो पानी ऐसा नहीं होगा कि शोर की तरफ आ रहा है ओनली द एनर्जी ऑफ द वेव द डिस्टर्बेंस इज कमिंग टूवर्ड्स द शोर पानी वहां पे अपनी अपनी जगह पे ही रहता है ठीक अच्छा भाई आगे चलते हैं तो हमने क्या बात करी कौन से दो पॉइंट देखे कि मटेरियल मीडियम चाहिए होता है अगर वो वेव कौन सी है मैकेनिकल वेव है नहीं होगा तो नॉन मैकेनिकल वेव में मीडियम नहीं चाहिए होता दूसरी बात ये है कि पार्टिकल्स अपनी जगह पर सिंपल हार्मोनिक मोशन करते रहते हैं दे डू नॉट मूव टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव ठीक देर इज अ कंटिन्यूअस फेज डिफरेंस अमंगस्ट सक्सेसिव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स एंड पार्टिकल देखो यहां पे देखो कि अगर मान लो इस समय पर इस समय पर वेव का जो डायग्राम है है वो ऐसा है कुछ तो एक फेज का डिफरेंस होता है मतलब ये वाला पार्टिकल अभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है यहां वाला पार्टिकल अपनी जगह से थोड़ा ऊपर है यहां वाला पार्टिकल अपनी जगह से अपनी जगह पे ही है और ये वाला पार्टिकल अपनी जगह से थोड़ा सा नीचे है ठीक है तो अगल बगल के पार्टिकल्स सब लोग अपने एक साथ नहीं जाते ऊपर और एक साथ नहीं जाते नीचे कुछ ऊपर जाते हैं कुछ नीचे जाते हैं फिर कुछ आगे वाले ऊपर रहते हैं तो वेव में क्या होता है कि अलग अलग पार्टिकल्स में जो है कुछ फेज़ डिफरेंस होता है मतलब उनके मोशन की जो सीक्वेंस है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है ठीक है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द वाइब्रेशन इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट्स की जो वेलोसिटी होती है वो भी डिफरेंट होती है और उनकी जो पोजिशंस होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं वेलोसिटी ऑफ वेव मोशन थ्रू अ पार्टिकुलर मीडियम इज कॉन्स्टेंट एक बात ये बोला गया कि अगर किसी मीडियम में से वेव ट्रांसफर हो रहा है ट्रेवल हो रहा है तो उसकी वेव की जो वेलोसिटी है बेटा वो कॉन्स्टेंट रहेगी अगर मीडियम पूरा यूनिफॉर्म है और जो वेलोसिटी है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मीडियम ठीक है एंड नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ एंड इंटेंसिटी ये बात को फिर से मैं रिपीट करता हूं एक बार कि अगर किसी मीडियम में से वेव ट्रेवल हो रही है तो वो सिर्फ उस मीडियम की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी कितनी होगी वेव की ठीक है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है मतलब एक सेकेंड में कितनी वेव ट्रेवल हो रही है डिपेंड नहीं करेगा और किस पर डिपेंड नहीं करेगा इंटेंसिटी मतलब कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम वहाँ से ट्रैवल हो रही है इन सब पॉइंट्स को हम डिटेल में देखेंगे आप वरी मत कीजिएगा ओके okay? ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन टर्म्स को हम समय के साथ अभी समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है वेव लेंथ क्या होती है इंटेंसिटी क्या होती है तो देखो अगर मान लो एक रोप हो और उसमें मैंने एक जर्क ऐसे दिया तो इस रोप में ये जर्क धीरे 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 आगे ट्रैवल होता है मतलब थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो ये वाला जो पल्स है वो थोड़ी देर बाद सपोज करो यहाँ आ गया ठीक ये पल्स आगे की तरफ जा रहा था यहाँ से यहाँ गया किसी वेलोसिटी से जा रहा होगा मैंने बोला ये वेव की वेलोसिटी वी डब्ल्यू है सपोज करो तो ये सिर्फ इस रोप पे डिपेंड करेगा कि ये ये पल्स आगे की तरफ कितनी स्पीड में जाएगी ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि मैं कितनी जल्दी जल्दी यहाँ पे पलसेस बना रहा हूं मतलब फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा वेव लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा वेव लेंथ का मतलब क्या होता है एक पूरी वेव की जो लेंथ होती है बेटा आपने अगर जूनियर क्लासेस में वेव को देखा हो तो ये एक कंप्लीट वेव हम बनाते थे ठीक है इसमें इस चीज इस को हम क्या बोलते हैं क्रेस्ट और इसको क्या बोलते हैं ट्रफ ठीक तो बच्चे ये जो पूरी डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर इस एंड पॉइंट तक इस पूरी डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे वेव लेंथ, जिसका सिंबल क्या होता है ठीक है तो वेव लेंथ पर भी डिपेंड नहीं करता तीसरी बात क्या है इंटेंसिटी पे इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कितनी एनर्जी किसी वेव में जा रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम तो इसको आगे समझेंगे अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग देखो एनर्जी इज प्रोपोगेटेड अलोंग वेव मोशन विदाउट एनी नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ द मीडियम एनर्जी आगे जाती है मोमेंटम आगे जाता है बट वहां पर पार्टिकल वेव के जो है आगे नहीं जाते कहने का मतलब क्या हुआ मैंने बोला बेटा कि यहाँ पे जर्क दिया और एक पल्स सपोज करिए यहां से आगे जाने लग गई ये पल्स आगे जा रही है तो इस, इस जगह के जो रोप के पार्टिकल हैं वो थोड़ी देर के लिए आपको ऊपर उठे हुए दिख सकते हैं बट आगे जाते हुए नहीं दिखाई देंगे ठीक है मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम में वाइब्रेट एट ओन पोजिशन ऊपर नीचे हो सकते हैं थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं बट ऐसा नहीं होगा यहां से चल के बहुत दूर चले जाए दिस विल नॉट हैपन इन अ वेव ठीक तो एनर्जी इज प्रोपोगेटेड द वेव मोशन विदाउट एनी नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ द मीडियम समझिएगा तो हमने क्या समझा कि हम वेव के थ्रू बच्चे एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको सपोज करो बच्चे हमारे पास एक बेल होती यहां पे। है ठीक है सपोज देर वॉज अ बेल हियर एंड वी वॉन्टेड टू रिंग इट तो एक तरीका तो हो सकता है क्या कि मैं यहां से बॉल इस पे थ्रो कर दू तो इफ आई थ्रो अ बॉल बेटा तो आई एम एक्चुअली सेंडिंग और ट्रांसपोर्टिंग सम मास एंड दिस मास हैज सम काइनेटिक एनर्जी अगर आपने यहां से एक बॉल को ठीक है एम मास की बॉल को इधर से भेजा ठीक है बच्चे देखिए इस बॉल को अगर मैं भेजू तो क्या होगा इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर वो उस पर जाके उस पर ले जा करके ट्रांसफर हो जाएगी और ये बेल रिंग हो जाएगी दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि मैं वेव के थ्रू एनर्जी को ट्रांसफर करूं मैंने बोला भाई एक रोप यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं देखिए एक रोप को मैंने सपोज करो इस रिंग इस बेल से कनेक्ट कर लिया और यहाँ पर एक जर्क मैंने दिया यहां से ऐसे जर्क दिया और एक ऐसा पल्स ट्रैवल होने लग जाता है ये पल्स यहाँ से निकलती है ट्रैवल होते 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 जा कर के बेल से टकराती है और बेल को एक एनर्जी का जर्क मिलता है ठीक है एक अमाउंट ऑफ एनर्जी झटके से मिलती है और वो बेल रिंग हो जाती है तो क्या हुआ क्या ये यहाँ वाला जो रोप मैंने पकड़ा था वो वहाँ जा कर के एनर्जी को ट्रांसफर करती है नहीं ऑटोमेटिकली ये एनर्जी वहाँ तक चली जाती है तो क्या मीडियम ट्रैवल हुआ नहीं ठीक है ना एनर्जी ट्रेवल विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मीडियम ठीक इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या वेव में मीडियम पार्टिकल्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं नहीं क्या ट्रांसपोर्ट होता है एनर्जी एंड मोमेंटम ठीक तो कुछ टाइप्स ऑफ वेव्स हैं उनके क्लासिफिकेशन अब हम देखते हैं ठीक है टाइप्स ऑफ वेव में सबसे पहला जो टाइप मैंने बोला वो टाइप है मीडियम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक है अगर मीडियम रिक्वायर्ड है तो उस तरह के वेव को हम क्या बोलते हैं वेव वेव देखो रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे हम लोग मैंने बोला भाई कि अगर रो, रोप वेव बनानी चाहिए हमें बनानी है अगर वेव ऑन दिख तो नहीं रहा बच्चे मूव करता हुआ बट अगर मैं यहाँ पे अच्छे से याद करूं तो आपने देखा होगा ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे वाइब्रेट होता है तो एक स्प्रिंग के साथ आप क्या करो इस रोप को कनेक्ट कर दो तो जैसे जैसे ये स्प्रिंग ऊपर जाएगी नीचे जाएगी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी यहाँ पर वेव क्रिएट होने लग जाएगी ठीक है तो इसमें रोप बिल्कुल रिक्वायर्ड है ठीक तो वेव्स ऑन स्ट्रिंग रिक्वायर ऑब्वियसली द स्ट्रिंग स्प्रिंग हो हमारे पास उसमें भी वेव क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा स्प्रिंग की जरूरत पड़ेगी मीडियम रिक्वायर्ड है वाटर सरफेस पे वाटर सरफेस पे वेव कैसे बनेगा वेव्स ऑन वाटर सरफेस, वाटर सरफेस पे बनने वाली वेव को बनाने के लिए भी वाटर की जरूरत है तो जिस वेव को बनाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है उसे हम कौन से नाम से जानते हैं मैकेनिकल वेव जैसे साउंड वेव ठीक है मैं यहां से बोलता हूं और बात माइक तक जाती है ठीक दिस इज ड्यू टू साउंड वेव ऑब्वियसली है ना तो वाइब्रेशन इन माई थ्रोट क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द एयर एंड दिस्टर्बेंस इज रीज टू द माइक थ्रू साउंड वेव ठीक अब अगर यहां पे मैं वैक्यूम क्रिएट कर लू ठीक एंड इफ आई स्पीक देन दैट साउंड वेव विल नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू वन क्योंकि एयर मीडियम ही रिक्वायर्ड है साउंड वेव को ले जाने के लिए तो साउंड वेव भी बिना मीडियम के नहीं चल सकते सीजमिक वेव आपने सुना होगा कि अगर टेक्टोनिक प्लेट्स में कोई मोशन या डिस्टरबेंस होता है अर्थ के सरफेस में तो आपने सुना होगा कि एक अर्थक्वेक की वेव आई तो क्या हुआ है? एक जगह पे अर्थ में एक डिस्टरबेंस आया और वो डिस्टरबेंस मल्टीपल कंट्रीज तक ट्रांसफर हो जाता है ठीक है अर्थ के सरफेस पे वाइब्रेशन एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं सीज्मिक वेव्स तो जो भी वेव हमें मीडियम रिक्वायर देखने को मिलता है जहां जहां पे उस वेव को हम क्या बोल देते हैं मैकेनिकल वेव ठीक है कुछ ऐसे वेव होंगे जैसे कोई बच्चा बोले कि सर सन से कुछ वेव्स निकलती हैं और अर्थ तक आ जाती हैं और बीच में कोई मीडियम नहीं है बीच में एयर नहीं है सन और अर्थ के बीच में फिर भी ऐसा कैसे हुआ तो बच्चे मैं वहां पे बोलूंगा कि उन वेव्स को हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स ध्यान दो नॉन मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव होती हैं द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड नॉन मेकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है कुछ एग्जांपल्स देता हूं जैसे लाइट वेव हो गई आपके पास आपने सोलर सिस्टम स्टडी करा हुआ है बेटा ये सपोज करो हमारे पास क्या है सन है ठीक ये सन है और यहां पे कहीं पे बहुत दूर पे प्लैनेट है लेट से वो अर्थ है तो अर्थ तक जो सन रेज आती हैं ठीक है थीके? वो एक्चुअली क्या है इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव्स हैं उनको कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता ट्रैवल करने के लिए वेव यहाँ से निकलती है और यहाँ तक आ जाती है विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीडियम तो जैसे कि लाइट आपसे बात करूँ मैं लाइट भी एक फॉर्म ऑफ वेव है ठीक है लाइट के अंदर एक वेव नेचर होता है वो कैसे ट्रैवल होती है लाइट कोई मीडियम चाहिए होता है नहीं हीट एक्चुअली हीट ट्रांसफर के लिए हमें इंफ्रा रेड रेज रिक्वायर्ड होती हैं इंफ्रा रेड जो आपने अपने टीवी रिमोट में देखा होगा अगर आप अपने टीवी रिमोट को देखो तो आपको लगेगा कि उसमें से कोई भी लाइट या कोई भी वेव नहीं निकल रही टीवी रिमोट को अपने मोबाइल कैमरा के अंदर से देखना एक बार ठीक है यू विल ऑब्जर्व दैट वो बल्ब भी ग्लो कर रहा है एक्चुअली इंफ्रा रेड ना विजिबल रीजन में नहीं होता और हमें आँखों में दिखाई नहीं देता बट अगर बच्चे आप मोबाइल कैमरे के थ्रू उस वेव्स उस रेज को देखो तो वो आपको दिखाई देती हैं ठीक है थीके? तो वो भी क्या है क्या टीवी रिमोट के लिए कोई जो ट्रांसफर हो रहा है सिग्नल या जो वेव्स ट्रांसफर हो रही है उस रिमोट से टीवी तक उसके लिए कोई मीडियम चाहिए बिल्कुल नहीं रेडियो वेव्स मैंने बोला भाई कि मोबाइल कम्युनिकेशन होता है टावर से हमारे कमरे के अंदर तक आ जाते हैं सिग्नल्स तो ऐसा क्यों हुआ कोई मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे मीडियम के थ्रू भी कई बार वेव्स चली जाती हैं रेडियो वेव्स गामा रेज एक्स रेज ये सब वेव्स हैं जिनके लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता ठीक है इनको हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स क्यों बोला जाता है क्योंकि इन वेव्स को फॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होते हैं ठीक है ये वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी होती हैं, उनके डिस्टर्बेंस की वजह से बनी होती हैं, ठीक है इसीलिए इनका कई बार नाम क्या है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स पड़ा होता है तो जितने भी इलेक्ट्रो वेव मैग्नेटिक आप याद करते हो वो सब नॉन मैकेनिकल वेव्स की कैटेगरी में आती हैं। याद करो आपने पूरा एक विबग्योर नाम सुना होगा आपने ठीक है वेबग्योर क्या है सेवन कलर्स हैं जो रेनबो में आते हैं है ना तो जैसे अगर हम डिस्पर्जन करवाते हैं लाइट का तो हमें ये सारी वेव्स अलग अलग मिलती हैं तो ये वायलेट कलर की वेव इंडिगो कलर की ब्लू कलर की ग्रीन कलर की ये सब वेव्स हैं ठीक है इनकी स्पीड सेम है ठीक आपको पता होगा लाइट की स्पीड कितनी होती है थ्री इंटू थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड तो स्पीड सबकी सेम हो गई ठीक है एयर या फिर कह लो कि वैक्यूम के अंदर में ठीक है इस स्पीड से चल रही है और फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर डिटेल में अभी बात कुछ देर में होगी ठीक आगे चलता हूं भाई तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ये ब्लू कलर वाला सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम और ज्यादा होता रहता है और मैग्नेटिक फील्ड भी कम ज्यादा होता रहता है और उसका ट्रांसफ़र जब होता है है स्पेस में तब जो फॉर्मेशन फॉर्मेशन उस को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्लाटिक वेव आप अपने क्लास ट्वेल्थ में वेव्स नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर इस बात की डिटेल आपको ज्यादा अच्छे से समझाई जाएगी अभी हम आगे चलते हैं और दूसरे टाइप के वेव्स को समझते हैं ठीक है पार्टिकल के जो वेव मोशन हो रहा है उस मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है उसके बेसिस पे वेव्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो भी देखते हैं बच्चों ट्रांसवर्स वेव पहला टाइप है ठीक है इसमें क्या होता है वो देखो वेव इन विच ऑल पॉइंट्स ऑन अ वेव ठीक है ऑसिलेट अलोंग पार्थ एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स एडवांस ठीक है, वेव अगर आगे की तरफ जा रही है सपोज करो बच्चे वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक? और जो वेव को ट्रांसफर करवाने के लिए मीडियम के जो पार्टिकल्स इन्वॉल्व है उनका मोशन अगर ऊपर और नीचे हो रहा है ऊपर और नीचे हो रहा है ऊपर और नीचे हो रहा है तो उस तरह की वेव्स को हम क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव ठीक है इन दिस वेव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परुलर टू द डायरेक्शन डायरेक्शन में सपोज करो बच्चे wave कर रही है वीडब्ल्यू इधर एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और पार्टिकल अगर वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे ठीक है।, है तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं तो जैसे आपने देखा होगा वॉटर के सरफेस पे आपको पानी ऊपर और नीचे ऊपर और नीचे वाइब्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो कौन सी कैटेगरी में आया ट्रांसवर्स वेव मैंने बोला एक स्ट्रिंग पकड़ लो एक साइड से और उसमें जर्क दो तो क्या स्ट्रिंग के पार्टिकल आगे पीछे वाइब्रेट होते हैं नहीं स्ट्रिंग के पार्टिकल ऊपर और नीचे वाइब्रेट होते हैं इस तरह से किसी इंस्टेंट पर अगर आप फोटोग्राफ लोगे तो स्ट्रिंग के यहां वाले पार्टिकल्स को इमेजिन करो ये ऊपर गए हुए हैं और यहाँ वाले पार्टिकल्स अपनी जगह से अभी नीचे हैं और यहाँ वाले पार्टिकल्स फिर से ऊपर है किसी और इंस्टेंट पे अगर आप फोटोग्राफ लेते हो सपोज करो और वेव की फोटोग्राफ अभी ऐसे आ जाती है तो पता चला यहाँ वाले जो पार्टिकल्स कुछ सेकेंड पहले ऊपर थे अभी वो कहाँ हैं अपनी जगह से नीचे हैं यहाँ वाले ऊपर हैं तो पार्टिकल्स अपनी जगह से बस ऊपर नीचे जहां वाइब्रेट करते हुए दिखाई दे उस तरह की वेव को हम किस नाम से जानते हैं ट्रांसवर्स वेव ठीक तो एग्जाम्पल क्या है ट्रांसवर्स वेव में आपने आपको कौन कौन से बताया मैंने कि अगर स्ट्रिंग के अंदर वेव है स्ट्रिंग में अगर आप जर्क देते और वो जो वेव बनती है उसे कौन सी वेव के कैटेगरी में डालेंगे हम लोग ट्रांसवर्स वेव वॉटर के सरफेस पे वॉटर के सरफेस के ऊपर जो वेव बनती है ठीक है वॉटर के सरफेस पे जो वेव बनती है उसे कौन सी कैटेगरी में डालेंगे ट्रांसवर्स वेव ठीक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उसमें भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है उसका वाइब्रेशन ऊपर और नीचे ही होता है वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है इसीलिए उसको भी हम किस कैटेगरी में डालेंगे बेटा ट्रांसवर्स वेव ठीक तो इस बात को मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ देखो भाई एक स्ट्रिंग थी हमारे पास और एक एंड पर मैंने एक वाइब्रेटर या फिर ऑसिलेटर कनेक्ट कर दिया ठीक <coughs> मान लो ये ओरिजिनल जो पोजीशन थी मतलब स्ट्रिंग अगर मैं एकदम ढीली छोड़ दूं, मतलब बिना वाइब्रेशन के छोड़ दूं, तो ये वाली लाइन के अलोंग ये स्ट्रिंग रहने वाली थी अब किसी एक सिंगल पार्टिकल को देखते हैं ये वाले पार्टिकल को इसको देखोगे तो ये यहां से यहां जाता है और यहां से यहां आता है देखो इस पार्टिकल को देखो नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है क्या आगे भी जा रहा है वेव की डायरेक्शन में नहीं वेव का डायरेक्शन बच्चे ये है वीडब्ल्यू अगर मैं लिखू वेलोसिटी ऑफ स्पीड वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वेव तो वो उस डायरेक्शन में है और पार्टिकल की जो स्पीड या वेलोसिटी होती है वेलोसिटी की बात करूं कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे मतलब तो तो पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है और वेव इस डायरेक्शन में जा रही है इस तरह की वेव को किस कैटेगरी में डालेंगे हम लोग ट्रांसवर्स वेव की डायरेक्शन में ही डालेंगे ध्यान रखेंगे ठीक एग्जाम्पल्स मैंने दिया स्ट्रिंग वेव वाटर की सरफेस पे बनने वाली वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये सारी वेव्स कौन सी कैटेगरी में आती हैं बेटा कौन सी कैटेगरी में आती है कैटेगरी में आती है ठीक अच्छा आगे चलते हैं बेटा हम लोग और अगर किसी वेव में पार्टिकल ऊपर और नीचे ट्रेवल कर रहे हैं तो उसमें आप देखते हो जब ऊपर की तरफ पार्टिकल्स गए हुए हैं और वो जो फॉर्म बन रहा है उस उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं क्रेस्ट जब मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह से ऊपर है तो उसे क्या बोलते हैं क्रेस्ट और पार्टिकल जब नीचे गए हुए हैं तब तो उसे क्या बोल देते हैं हम लोग ट्रफ और ये पूरा जो एक कंप्लीट वेव है यहाँ से यहाँ तक इस पूरी डिस्टेंस को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ ठीक है ना इसकी बात हुई थी तो इट ट्रांसवर्स वेव की बात करूं तो इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स ट्रफ क्या है जो नीचे वाला पार्टिकल होता नीचे वाली जो वेव फॉर्म है इतना पार्ट जो है ये एकदम एंड वाला पार्ट ये क्या कहलाता है ट्रफ है और एकदम ऊपर वाला क्या कहलाता है क्रेस्ट मतलब टॉप ठीक अच्छा भाई और ये जो मैक्सिमम दूरी है किसी पार्टिकल की अपनी जगह से आपने अगर एसएचएम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपनी मीन पोजीशन से क्या कहलाती है एम्प्लीट्यूड ठीक आगे चलता हूं बच्चे तो इसमें क्या है क्रेस्ट इज द पोर्शन ऑफ द मीडियम व्हिच इज रेज्ड टेंपरेरली Above the position, है? अपनी नॉर्मल रेस्ट की पोजिशन से जो पार्ट की तरफ उठा रहता है, उसे क्या बोलते हैं अपने ओरिजिनल पोजिशन से जब जो पार्ट नीचे की तरफ दबा हुआ दिखेगा नीचे की तरफ डिस्प्लेसड होगा उसे क्या बोलते हैं ट्रफ बोलते हैं ठीक एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव मोशन हमने अभी बात की थी उसको एक बार मैं समराइज कर देता हूं मूवमेंट ऑफ स्प्रिंग ठीक है ऑफ अ सितार और अ वन सितार में विन में आप देखते हो ना तो वो जैसे ही आप प्लक करते हो किसी स्ट्रिंग को वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे वाइब्रेट होती है तो वो क्या है ट्रांसवर्स वेव है मूवमेंट ऑफ मेमब्रेन ऑफ तबला तबला पे जब आप हिट करते हो तो तबला ऊपर नीचे उसकी जो शीत होती है ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रही है और ट्रांसफर हो रहा है वो वाइब्रेशन ठीक है मूवमेंट ऑफ अ किंक ऑन अ रोप, रोप में क्या करो एक पार्टिकल एक पॉइंट को देख लो और उसको ऊपर नीचे वाइब्रेट करो वेव भेजोगे तो एक पार्टिकल हमेशा ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहा है ठीक है सरफेस ऑफ वाटर पे जो वेव बनती है वो भी क्या है एक ट्रांसवर्स वेव ही है इसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग अगर आपके पास कोई पॉन्ड या सी है तब तो आप ऑब्वियसली देख सकते हो वरना क्या करो एक कंटेनर में बेटा पानी ले लो थोड़ा सा ठीक ये आपने पानी भर लिया यहाँ पे अब यहाँ पर एक छोटा सा थर्मोकोल का पार्टिकल यहाँ पे छोड़ दो ठीक थर्मोकोल का पार्टिकल जब आप यहाँ पे रखोगे बेटा और यहाँ पे एक छोटा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करो ठीक है देखोगे आप ये थर्मोकोल का पार्टिकल ऊपर नीचे होगा ऐसा नहीं होगा कि थर्मोकोल का पार्टिकल वहाँ चला जाए लेकिन हाँ वाइब्रेशन बहुत छोटा सा देना ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बहा दिया ठीक है अच्छा कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड्स दे कैन बी सेटअप इन द सर्फेस ऑफ लिक्विड बट दे कैनॉट बी ट्रांसमिटेड इन टू क्या लिक्विड्स एंड गैसेज लिक्विड्स और गैसेज के अंदर इस तरह की वेव नहीं बना सकते हाँ लिक्विड के सर्फेस पे बना सकते हो या फिर सॉलिड्स में बना सकते हो सॉलिड्स का एक एग्जाम्पल हमारे लिए स्ट्रिंग वेव भी हो गया तो पार्टिकल अगर ऊपर और नीचे किसी वेव में ट्रांस ट्रैवल हो रहा है ऊपर नीचे वेव इधर जा रही है ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे तो अगर वेव की डायरेक्शन में ही पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है तो उसे कौन सा नाम देते हैं वो देखते हैं बच्चों उस तरह के वेव को हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव ठीक है लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या होता है इफ द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन द वेव इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल ठीक तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने दिखाता हूं देखो ये एक स्प्रिंग है हमारे पास ठीक ये एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को अगर झटके देते हैं इसे तो पार्टिकल क्या होता है अब अपनी जगह से थोड़ी देर आगे जाता है फिर पीछे आ जाता है बस इतना ही होता है और इसी से ट्रांसफर हो जाती है एनर्जी ठीक इस पार्टिकल को देखते हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल है कोई भी उसको ध्यान से बस उसी को पकड़ लो और देखो ध्यान से ये आगे गया ये पीछे आ गया ये आगे गया ये पीछे आ गया फिर से देखना ये आगे गया और ये पीछे आ गया तो पार्टिकल अपनी ही जगह से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जब वाइब्रेट होता है और एनर्जी आगे की तरफ चली जाती है तो उस तरह के वेव मोशन को क्या कहते हैं लोंगिट्यूडनल वेव ध्यान से देखो ये जो जर्क हमने दिया है ये डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ और ये डिस्टरबेंस आगे चला गया तो ये वाला डायरेक्शन बेटा द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज वेलोसिटी ऑफ वेव पार्टिकल वेलोसिटी इज आल्सो पैरेलल टू दिस ओनली ठीक है आगे पीछे आगे पीछे पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो इस तरह का वेव मोशन जिसमें वेव आगे जा रही है सपोस करो वी से और पार्टिकल भी अपनी जगह पे आगे और पीछे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है पार्टिकल भी अपनी जगह से आगे और पीछे वाइब्रेट कर रहा है इस तरह के वेव को हम कौन से नाम से जानते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव अब ध्यान दीजिए इसके कौन से एग्जाम्पल्स हैं उनको देखते हैं हम लोग ठीक है देखने से पहले एक बार ये देख लो कि भाई प्रॉपर्टीज क्या है इसकी कि इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन कंप्रेशन और रेयर फैक्शन का मतलब क्या हुआ मैं समझा देता हूं यहां पे देखो ये जो स्प्रिंग वाला हमने डायग्राम देखा था बच्चे ठीक है इसमें आप देखो कि जहां पे स्प्रिंग के जो रिंग्स हैं वो पास आ गए हैं उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे कंप्रेस्ड है वो कंप्रेशन और जहां पे एक, ये जो फैला भी थोड़ी देर के लिए ठीक है इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं जहां पे वाइड हो गए हैं रिंग्स उनको हम बोलते हैं रेयर फैक्शन ठीक इस बात को मैं और अच्छे से समझाता हूं तो इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन और रेयर फैक्शन कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का मतलब क्या है बेटा जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये एयर के कुछ पार्टिकल्स हैं जो अभी इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं ठीक है इक्वल डिस्टेंस पे हैं अब आपने क्या किया यहां से एक साउंड वेव की जर्क दी मतलब आपने यहां से कुछ बोला क्या होता है फिर जब जैसे झटका आता है कुछ जगह पे बेटा एयर के पार्टिकल्स पास आ जाते हैं प्रेशर वहां पे बढ़ जाता है <coughs> ठीक उस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग कंप्रेशन ये क्या हो गया हमारे लिए कंप्रेशन सी से डिनोट कर देता हूं मैं इसको और थोड़ा आगे और हो सकता है एक जगह पे कंप्रेशन हो जहां पे एयर पार्टिकल्स बहुत क्लोज आ गए हैं वो जगह क्या हो गई कंप्रेशन फॉर्म हो गई सी और जहां पे पार्टिकल्स दूर दूर है बेटा उसका नाम होता है रेयर फैक्शन इसको क्या बोल दिया मैंने ठीक है वहां पे क्या हुआ डेंसिटी कम हो जाती है और तो तो आगे आगे पीछे आगे पीछे अगर हो रहे हैं तो जहां से पार्टिकल्स हट के आगे गए हैं और इस जगह से मान लो पार्टिकल्स पीछे आए तो जहां पे एक जगह पर गैदर हुए हैं वहां पे क्या क्रिएट हो जाता है कंप्रेशन और जहां से पार्टिकल्स आगे चले गए इधर से पीछे आ गए तो इस जगह पे क्या आ गया रेयर फैक्शन तो कंप्रेशन रेयर फैक्शन कंप्रेशन रेयर फैक्शन के फॉर्म में ही लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करती है ठीक है क्या बताया मैंने कंप्रेशन सी इज अ रीजन ऑफ मीडियम इन विच पार्टिकल्स आर कंप्रेस्ड पास पास आ गए हैं हाई डेंसिटी है हाई प्रेशर है ठीक अ रेयर फैक्शन इज अ रीजन ऑफ द मीडियम इन विच पार्टिकल्स आर रेरीफाइड रेयरफाइड मतलब वहां पर डेंसिटी जो है कम हो गई है प्रेशर वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया है ठीक तो एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव सबसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है बेटा साउंड वेव होता है ठीक है साउंड वेव ट्रेवल थ्रू एयर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव ओनली ठीक वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ऑर्गन पाइप इसको हम बाद में पढ़ेंगे ठीक है ये सब लॉन्गिट्यूडनल वेव जो हम ऑर्गन uh, पाइप के अंदर पढ़ते हैं उसको हम साउंड वेव्स के अंदर अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे एक और एग्जाम्पल है कि अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव स्प्रिंग के अंदर क्रिएट करूं तो वो कैसे हो सकती है तो अभी अभी हमने एक डायग्राम देखा था बेटा तो उसको भी एक बार मैं आपको यहां पे बना के दिखाता हूँ अगर एक स्प्रिंग है जैसे आपके पास ये वाली एक स्प्रिंग मैंने आपके सामने रखी स्प्रिंग इतना अच्छा मीडियम है बेटा इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है तो अगर इसको ऊपर नीचे वाइब्रेट कराओ इस एंड को जैसे कि तो इसमें ट्रांसवर्स वेव क्रिएट हो जाएगी अगर इस एंड को कैसे वाइब्रेट कराया हमने ऊपर और नीचे ऐसे ऐसे करो तो इसमें ऐसे ऐसे वाली कौन सी ट्रांसवर्स वेव मतलब स्प्रिंग के जो मास देख रहे हो या स्प्रिंग देख रहे हो ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रही है ट्रांसवर्स हो गई है ट्रांसवर्स वेव है ना और अगर मैं इसी एंड को आगे और पीछे वाइब्रेट कराऊं बेटा आगे और पीछे वाइब्रेट कराओ तो आप देखोगे कि यहां पे क्या क्रिएट हुआ लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट हो जाएगी ठीक है ऐसे 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 वाइब्रेट कराओगे तो जब डिस्टर्बेंस पार्टिकल्स को पास ले आएगा इसको हम क्या बोलेंगे कंप्रेशन और जहां पे पार्टिकल्स दूर गए हुए दिखेंगे आपको वो कौन सी जगह होगी रेयरफ और यही कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और इस तरह की वेव को हम क्या बोल देते हैं लॉन्जिट्यूडनल या लॉन्गिट्यूडनल वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव ठीक है दोनों ही टाइप के वेव आप एक स्प्रिंग के अंदर क्रिएट कर सकते हो थोड़ी सी लंबी स्प्रिंग आपके पास होनी चाहिए ठीक है तो जैसे आपने टॉय आता है स्लिंकी स्लिंकी को अगर आप स्ट्रेच करके और इस तरफ से वाइब्रेट करो तो ऐसी वेव आ जाएगी और अगर स्लिंकी को पकड़ के और ऐसे ऐसे वाइब्रेट करोगे तो वहां पर लॉन्गिट्यूडनल वेव भी क्रिएट हो सकती है ठीक है दीज these दीज these can कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस सब में ही ये वाली वेव देखने को मिलती है क्योंकि इसमें पार्टिकल्स कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में आगे वेव को ट्रांसफर करते हैं तो इसमें उतने ज्यादा इलास्टिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती उस टाइप की ठीक है तो ये तीनों ही मीडियम मतलब सॉलिड्स में लिक्विड्स में और गैसेस में देखने को मिलती है क्योंकि साउंड वेव हमें पता है एयर में जा रही है और साउंड वेव क्या है लोंगिट्यूडनल वेव है तो एयर में भी आ गई वैसे ही अगर मैं बोलूं बेटा कि क्या सॉलिड्स के अंदर से भी साउंड वेव जा सकती है बिल्कुल लिक्विड के अंदर साउंड वेव जा सकती है बिल्कुल जैसे आपको पता होगा कि जो फिशेज होती हैं दे यूज द साउंड वेव्स इनसाइड द वॉटर ओनली तो जो पानी के अंदर जो वेव्स बनती हैं उसे हम कौन सी वेव्स पाते हैं दोज आर लॉन्गिट्यूडनल काइंड और जो सरफेस पे बनती हैं ट्रांसवर्स टाइप ओके इस बात को आप ध्यान में यहां पे रखिएगा ठीक है कुछ वेव्स और भी हैं जैसे वन डायमेंशनल डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है तो अगर वेव एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है तो हम क्या बोलेंगे कि वो वन डायमेंशनल वेव है जैसे कि स्ट्रिंग वेव स्ट्रिंग में ऐसे झटका दिया वेव आगे गई तो एक ही डायरेक्शन में गई है स्ट्रिंग में मैंने ऐसे जर्क दिया था बच्चे तो वेव एक ही डायरेक्शन में जा सकती है ना स्ट्रिंग को छोड़ के ऐसे थोड़ी चली जाएगी तो उस तरह की वेव जो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है उसे कौन सी वेव बोल दिया वन डायमेंशनल वेव वैसे टू डायमेंशनल वेव कैसी होती है सिंगल डायरेक्शन में जा रही है तो वन डायमेंशनल ठीक वेव प्रोपोगेशन इन स्ट्रेच स्ट्रिंग जैसे कि मैंने बोला वाइब्रेट करना शुरू करो धीरे धीरे वेव आगे की तरफ बढ़ती रहेगी तो इस तरह की वेव को मैंने क्या बोला यूनि या वन डायमेंशनल वेव आगे चलता हूं टू डायमेंशनल वेव क्या हो जाएगी बेटा देखिए एनर्जी इन प्लेन ठीक है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वेव जा रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे टू डायमेंशनल वेव जैसे मैंने बोला बेटा वाटर का सरफेस है सपोज करो ठीक है एक पॉइंट के अंदर और यहाँ पे एक स्टोन फेंक दो ऐसे स्टोन फेंका आपने आप देखते हैं उसके चारों तरफ ऐसे रिंग्स बन जाती हैं वाटर वेव्स की और जो दूर जाने लग जाती हैं ठीक है थीके? तो ऑब्वियसली अगर ये डायरेक्शन बेटा एक्स डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन वाई डायरेक्शन है तो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में ही वेव ट्रैवल कर रही है इसको हम क्या बोल देते हैं टू डायमेंशनल वेव ऑब्वियसली अगर इसके परपेंडिकुलर जेड है तो उधर वेव जाने वाली नहीं है तो इस तरह की वेव को बच्चे हम क्या बोल देते हैं टू डायमेंशनल वेव ठीक वेव प्रोपेगेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर वाटर के सरफेस पे मैंने बोला पॉन्ड में एक पान एक स्टोन फेंक uh, दो बेटा व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट द एनर्जी ऑफ द फॉलिंग स्टोन देन इज ट्रांसफर्ड इन अ प्लेन वाटर के सरफेस पे हर तरफ ट्रैवल होता है इसीलिए उसे कौन से वेव की तरह हम बोल रहे हैं टू डायमेंशनल वेव ठीक प्लेन के अंदर ही जब वेव आगे पीछे जा रही है तब उसे हमने क्या बोला टू डायमेंशनल वेव ठीक वैसे ही थ्री डायमेंशनल वेव क्या होगी जिसमें तीनों डायरेक्शन में वेव जा रही हो जैसे कि मैंने बोला बेटा यहां पर एक बल्ब ग्लो कर देते हैं देखो ठीक है ये बल्ब है तो इससे लाइट क्या इधर जाती है बिल्कुल लाइट इधर जाती है बिल्कुल लाइट इधर जाती है बिल्कुल इधर यस इन फ्रंट मतलब अस यस तो इस बल्ब से चारों तरफ आ रही है इन ऑल थ्री डायमेंशंस तो इस तरह की वेव को हम क्या बोल देते हैं थ्री डायमेंशनल वेव एक स्पीकर है उसके आसपास कमरे में कहीं भी बैठो हर तरफ साउंड आ रही है तो दैट स्पीकर इज क्रिएटिंग अ थ्री डायमेंशनल वेव तो जिस वेव की एनर्जी तीन डायमेंशन में पूरे स्पेस में जाती है उस तरह की वेव को हम क्या बोलते हैं थ्री डायमेंशनल वेव ठीक लाइट और साउंड वेव जो है अगर एक बल्ब या स्पीकर से निकल रही है तो उसे ऑब्वियसली मैंने अभी बताया कि उसको किस कैटेगरी में डालेंगे बेटा थ्री डायमेंशनल वेव की कैटेगरी में डालते हैं ठीक तो थ्री डायमेंशनल वेव थोड़ी अलग तरह की दिखाई देती है अगर उसको इमेजिन करें तो देखो थ्री डायमेंशनल डिस्टर्बेंस हमें वहाँ पे देखने को मिलता है तो इस पर उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे बट इसको ऑब्जर्व करो एक बार ठीक है थ्री डायमेंशंस में मतलब इधर भी वाइब्रेशंस है ऊपर भी वाइब्रेशंस है इधर भी वाइब्रेशन है तो इन ऑल थ्री डायमेंशन इफ द वाइब्रेशन आर प्रेजेंट देन दैट टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल वेव इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करो अपनी जगह से लेफ्ट राइट right जा रहा है यहां से यहां तक जा रहा है देखो ठीक ऐसे हो गया पार्टिकल क्या आगे पीछे भी हो रहा होगा यस yes, ऐसे, ऐसे ऐसे भी हो रहा है तो इन ऑल द थ्री डायमेंशन वी कैन ऑब्जर्व द डिस्टर्बेंस इज गोइंग थ्री डायमेंशनल वेव होगी वो